हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग बताते हैं कि अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी जो भी मनी होती है, जो भी आपकी सेविंग्स होती है, वो बहुत ज़्यादा रिस्क में हो जाती है जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर आपका पैसा जो स्मॉल कैप फंड्स में लगता है वो कितना ज़्यादा रिस्क में होता है और उसके कितने चांसेस हैं कि वो जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो टॉप के स्मॉल कैप फंड हैं एंड इनमें जो रिटर्न मिला हुआ है, इनको देखते हुए मैं बात कर रहा हूँ। तो जो सबसे पहला फंड आ जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पर, क्वांट स्मॉल कैप फंड। एंड यहाँ पर आपको मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो आ जाती है उसका रिटर्न कैसे आया है, उसका AUM साइज़ कितना है एंड एक्सपेंस रेशियो कितना है। इसके आगे भी हम बात करेंगे कि आखिर आपको किन चीज़ का ध्यान रखना है, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसने रिटर्न कैसे दिए हुए हैं। आप देखोगे लॉन्ग टर्म में भी इस फंड ने 28% के रिटर्न दिए हुए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज आप देखोगे सिर्फ 16% का आ जाता है। इसके आगे आपको क्या ध्यान देना है कि टैक्स वगैरह कैसे क्या है। टैक्स में आप अगर आप जो है जो भी एक साल के अंदर अंदर रिडीम करने के लिए सोचते हो तो यहाँ पर 15% टैक्स आपके ऊपर पड़ेगा। एक साल के बाद करोगे तो 10% पड़ेगा, बट इसमें भी एक कंडीशन है कि 1,00,000 का प्रॉफिट जो होगा उसके ऊपर का जो भी गेन होगा उसके ऊपर 10% का टैक्स पड़ता है। एंड एक साल के पहले पहले रिडीम करने पर 1% एग्जिट लोड पड़ता है, अदरवाइज ये जीरो हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको पहले ही नोटिस करनी है किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। अब इसके बाद बारी आती है कि आखिर इनका जो सेक्टर है वो किस तरह से, यहाँ पर कितना पैसा किस सेक्टर में लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि बेसिक मटेरियल्स में लगभग 18% का है, फाइनेंशियल सर्विस में 17% है, इंडस्ट्रियल्स में 14% का है। अब बात करते हैं होल्डिंग्स की, जो कि आपको मेनली ध्यान देनी है, जो आपका हो जाता है फंड साइज हो जाता है, एक्सपेंस रेशियो हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। इसके बाद जो मेन चीज़ आ जाती है वो है होल्डिंग। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में 5% है, फ्यूचर ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज में 4% है, जियो फाइनेंशियल में 3% है। तो ये आपको डाटा देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पर अगर आपको सारे के सारे कंपनीज देखनी है कि कितना किस में इन्वेस्ट है, तो यहाँ पर आप व्यू ऑल में जैसे क्लिक करोगे आप सारा डाटा देख पाओगे कि कितनी कंपनीज़ में इनका जो है पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। इसके बाद आपको बाकी सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैं भी बता रहा हूँ कि आपका स्मॉल कैप में कितना ज़्यादा पैसा रिस्क में हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया है पहला जो फंड है ये हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर फंड है। एंड अगर हम बात करते हैं इसके AUM साइज की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 37,000 करोड़ का इसका फंड साइज है। एंड एक्सपेंस रेशियो आप देखोगे तो 0.72% हो जाता है। लॉन्ग टर्म में इसने जो रिटर्न दिए हुए हैं वो 27% के हैं, कैटेगरी एवरेज जो है वो 22% का है, मतलब कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका पैसा है वो रिस्क में कितना है ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो होल्डिंग आपको देखने को मिल जाती है, आप देख सकते हो ट्यूब इन्वेस्टमेंट में 2.61% है, HDFC बैंक लिमिटेड में 1.82% है, अपार इंडस्ट्रीज में 1.64% है। एंड व्यू ऑल में आप जैसे ही क्लिक करोगे, व्यू ऑल में जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पर आपको देखने को मिल गया कि भाई इतनी सारी कंपनीज हैं जिनमें इस फंड का पैसा इन्वेस्टेड है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड नंबर के म्यूचुअल फंड की। एंड मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि जितने भी मैं फ़ंड आपको दिखा रहा हूं इसके मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाए हुए हैं, पूरा डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है, आप वो इसी चैनल पे वॉच आउट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं बात करता हूं ICICI प्रूडेंटल स्मॉल कैप फंड। एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, लॉन्ग टर्म में जो इस फंड ने रिटर्न दिए हुए हैं 26% है, कैटेगरी एवरेज आप देखोगे 22% है, ऑलमोस्ट 23% है। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी एवरेज बीट करता हुआ दिख रहा है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर भी 0.7% है। एंड लॉक इन पीरियड 0 ही है जितने भी मैंने फंड बताए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो होल्डिंग्स देखने को मिल रही हैं वो आप देख सकते हो, साइंट लिमिटेड में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो 3.889% का इन्वेस्टमेंट है, रोलेक्स रिंग्स में 3.11% है, की इंडस्ट्रीज़ में 3.10% का जो है होल्डिंग्स देखने को मिल रहा है। इसी के अलावा व्यू ऑल पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको ये सारी कंपनीज देखने को मिल जाती हैं।
तो कहने का मतलब यह है कि आप जो भी वीडियोस देखते हो जिसमें आपको बताया जाता है कि जो भी स्मॉल कैप फंड्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, आपका पैसा डूब जाएगा, तो मैं वो बता रहा हूँ कि आपका पैसा ज़ीरो होने के लिए लगभग 200 से 300 कंपनीज को बिल्कुल ज़ीरो होना पड़ेगा एंड तब आपका पैसा पूरा का पूरा जो है ज़ीरो हो जाएगा। अभी मैंने 3 फंड्स के नाम बताए हुए हैं, चौथा फंड आ जाता है कोटक स्मॉल कैप फंड एंड यहाँ पर आपको जो रिटर्न देखने को मिलता है 26% है, कैटेगरी एवरेज 23% है। मतलब जितने ही मैंने फ़ंड अभी तक आपको बताए हुए हैं ये सारे वो फंड हैं जो कि स्मॉल कैप फंड है एंड सभी का जो रिटर्न है वो 25% से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है लॉन्ग टर्म में। इसके अलावा अगर यहाँ पर भी आप होल्डिंग्स चेक करते हो तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है साइंट लिमिटेड में 3.92% का होल्डिंग देखने को मिलता है, सेंचुरी प्लेबोर्ड्स में 3.24% है, इसके अलावा रत्नमामी में 2.98% का है एंड व्यू ऑल पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं अदर कंपनीज़, जिसमें आप देख सकते हो लगभग जितने ही मैंने फ़ंड बताए हुए हैं सभी में लगभग अलग अलग कंपनीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। फर्स्ट चीज़ आपको ध्यान देनी है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न कितने अच्छे मिल रहे हैं ये भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जितनी ही कंपनी है लगभग हर एक फंड में 40 से 50 कंपनी मिनिमम उतनी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एंड 4 फंड की मैं बात कर रहा हूँ तो 40 को आप अगर 4 से भी गुणा कर दोगे तो लगभग 160 कंपनीज हो जाती हैं, जबकि इससे ज़्यादा कंपनीज़ हैं, ठीक है। तो लगभग 160 कंपनीज़ का पोर्टफोलियो जो भी स्टॉक है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, तब आपका पैसा ज़ीरो होगा, अदरवाइज़ आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा अगर आप अच्छे म्यूचुअल फ़ंड चूज़ करते हो। एंड अगर आपको भी कन्फ्यूजन होती है कि आखिर अच्छे म्यूचुअल फ़ंड कौन से हैं जिसमें आपको हाई रिटर्न मिले, आपका इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए, तो आप हमारे वीडियोस को वॉच आउट करते रहोगे, आपको अच्छे अच्छे म्यूचुअल फ़ंड की जानकारी मिलती रहेगी एंड कितना रिस्क मैनेजमेंट होता है, कितना आपको प्रॉफिट मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको हम वीडियोस में कवर करके बताते रहते हैं। उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि स्मॉल कैप फंड कितने परसेंट आपके लिए रिस्की हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि रिटर्न आपको 25% से भी ज़्यादा का मिलता है अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड चूज़ करते हो, आपका पैसा ज़ीरो होने के लिए लगभग 150 से 200 कंपनीज़ का पैसा ज़ीरो होगा, तब आपका पैसा ज़ीरो होगा, अदरवाइज ये अच्छा खासा चलता रहेगा। आप भी समझ सकते हो कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी अच्छी चल रही है तो 150 से 200 कंपनी एक साथ ज़ीरो हो जाए ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वाइड कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं आ जाती है। इसी के अलावा हम बात करते हैं कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो तो किस तरह से यहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे। अगर आप मिनिमम जो SIP है वो 10,000 रुपये की कर रहे हो, यहाँ पे आपको 25% से ज़्यादा का रिटर्न मिल जाता है, मैं 25% भी लेकर चलता हूँ अगर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि अगर हम जो है जो इन्वेस्टमेंट है इसको हम 20 साल के लिए करते हैं, ठीक है, मैं 20 साल के लिए यहाँ पर कर देता हूँ, 20 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एंड जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना हो जाएगा एंड आपको रिटर्न कितना मिलेगा, तो यहाँ पर आप देखोगे लगभग 24 लाख रुपये आप इन्वेस्ट करोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 24 लाख रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो 6,61,00,000 मिल रहा है एंड टोटल वैल्यू जो हो जाएगी, टोटल रिटर्न जो हो जाएगा वो 6,85,00,000 का हो जाएगा। तो मतलब 20 साल में आप इतना तगड़ा पोर्टफोलियो बना लोगे कि आप भी अपनी अच्छी खासी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गया होगा कि स्मॉल कैप फंड आपके लिए कितना ज़्यादा यूजफुल, कितना ज़्यादा हाई रिटर्न है, कितना ज़्यादा लो रिस्क में होते हैं एंड आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। मेरा ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।